नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करंट अफेयर का डिस्कस करने वाले हैं। मार्च 2019 में जो नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट हुई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको पता है कि करंट इश्यू से रिलेटेड जो भी अपॉइंट हुए हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट है, उनसे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। चाहे आप SSC CGL लें, चाहे आप HPSC का नायब तहसीलदार एग्ज़ाम होने वाला है। अभी आज ही नोटिफिकेशन आया HPSC का कि जल्दी हम एक इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। तो इसके अलावा जो भी HSSC के हैं, रेलवे के, सभी एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए, इससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मैथ्स के रिगार्डिंग है। एडवांस मैथ आप करना चाहते हैं, आपका टारगेट SSC CGL है, CPO है या फिर LDC है, तो आप सिर्फ 900 रुपये में अभिनव शर्मा सर का जो पेड कोर्स है, प्लस कोर्स है, वो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको ज्वाइन करना है, ये बूस्टर कोर्स है एडवांस मैथ, 30 डेज का है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और वो वीडियोस आप सारे के सारे हैं, वो 1 साल तक देख पाएंगे। आप परचेज इस कोर्स को सब्सक्रिप्शन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसके अंदर आपको 30 लेसन और 4 क्विज जो हैं वो मिलेंगे। अलजेब्रा मतलब इसके अंदर आपको कंप्लीट 30 दिन का जो है डाउट सेशन भी होगा। अलजेब्रा, टिग्नोमेट्री, जो भी मेंसुरेशन, सभी इसमें कवर किए जाएंगे। ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, इसकी आप सारी की सारी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, स्पेशल वीडियो है तो पूरी डिटेल दी हुई है। आप में रेफरल कोड करेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 1 मंथ के लिए 1000 रुपये चार्जेज हैं और 6 मंथ के लिए 750 पर मंथ, और पूरे साल का लेते हैं तो आप 6000 रुपये, और इससे भी कम में तो आप मेरा रेफरल कोड गोस्वामी सर यूज़ करेंगे तो 10% आपको हर कोर्स पर डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है और कैसे परचेज करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पूरी वीडियो दी होगी, वो आप देख सकते हैं। चलिए मार्च 2019 में हुई नियुक्तियां देख लेते हैं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष की बात करें और वो सातवें सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, तो वो है मेधा नार्वेकर को पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष और सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव संजीव रंजन जी को अपॉइंट किया गया है, राइट। नेक्स्ट है UNDP की सद्भावना दूत, तो वो पद्मा लक्ष्मी भारतवंशी को नियुक्त किया गया है। कृषि वैज्ञानिक चयन बोर्ड का वैज्ञानिक चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर AK मिश्रा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर के मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन का प्रमुख सलाहकार एडवाइज़र की बात करें तो वो मेट्रोमैन ई श्रीधरन को बनाया गया है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन को जम्मू कश्मीर के जो मास रैपिड ट्रांजिट कॉरपोरेशन है उसका एडवाइज़र बनाया गया है। भांबा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक किसको बनाया गया है, AK मोहंती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर एग्जाम में पूछा जाएगा, AK मोहंती, तो 2-3 बार इसको आप रिवाइज कर लें। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसर बोर्ड का सदस्य बनाया गया है अभिनेता संजय पराशर को, ठीक है। चलिए, मिजोरम के पहले लोकायुक्त कौन बने हैं, तो सी लाल सावता बने हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच कौन, तो वो यूनिस खान बने हैं। LIC के चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, LIC MR कुमार बने हैं। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन किसको बनाया गया, तो हंसमुख अदिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन बनाएंगे हंसमुख अदिया को। चाय बोर्ड का चेयरमैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी के बेजबरुआ को बनाया गया, पी के बेजबरुआ को चाय बोर्ड का अध्यक्ष। देश का पहला लोकपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ लोकपाल पे, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। पिनाकी चंद्र घोष हैं, वो देश के पहले लोकपाल के जो हैं चीफ जस्टिस हैं, वो बने हैं। चलिए, नौसेना प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट है, नौसेना प्रमुख पहले सुनील लांबा की जगह अभी आए हैं करमबीर सिंह। गोवा के नए CM बने हैं, आपको पता है, प्रमोद सावंत। चलिए नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी इंडिया के MD CEO, तो केनिची आयुकावा मारुति सुजुकी के MD और CEO बने हैं। BCCI का नैतिकता अधिकारी DK जैन। पाकिस्तानी विदेश सचिव की बात करें तो सोहेल मसूद, और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में गेंदबाजी कोच
ट्रॉय कुले एसएल सीरीज के लिए और एडम ग्रिफ्थ विश्व कप के लिए ये अपॉइंट किए गए हैं। तो ये थी हमारी 2019 के जो मार्च मंथ है इसकी अपॉइंटमेंट थी, नियुक्तियां थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोबारा से बता देता हूँ, तो ज़्यादा एग्जाम में यूएनडीपी का पूछा जाना बहुत ही और भांबा परमाणु वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद हम बात करूँ LIC का, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय बोर्ड का और देश का पहला लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट, नौसेना प्रमुख ये तो जनरल है, ये तो आप कर भी सकते हो वैसे ही। तो ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपका ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करें और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर वो टेलीग्राम का लिंक या फिर जो भी अनअकैडमी के आप जो मेरे कोर्स हैं वो आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। सुनील गोस्वामी नाम से आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है आपको और वहीं ये कोर्स मेरे वाला भी देख पाएंगे और इसके साथ साथ ये जो पेड कोर्स है ये भी आप परचेज करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।